हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी पास वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे UPRVNL की तरफ से यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है। जो आपकी वैकेंसी आई थी यहाँ पे केमिस्ट और वो जो अदर कास्ट की जो वैकेंसी आई थी उसकी रिगार्डिंग एक अपडेट निकल आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे क्या नोटिस निकल के आया है। तो जैसे आप रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो एक तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक अपडेट निकल गया है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द पोस्ट ऑफ आपकी जो केमिस्ट वाली पोस्ट थी, केमिस्ट ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट थी और लेबर असिस्टेंट की जो पोस्ट थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई है। तो अभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो आपकी केमिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए आप एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डाल देनी है। इसमें यूज़र आईडी डाल लोगे आप, उसके बाद में या फिर लॉगिन आईडी एक जो भी डालोगे उसके बाद में आप अपना जैसे इसमें पासवर्ड डाल दोगे, उसके बाद कैप्चर फिल कर दोगे। तो उसके बाद में सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपना जो आपका DB का एडमिट कार्ड है, जो DB शेड्यूल हुई है आपके जो आपकी केमिकल वाली पोस्ट है ग्रेड और यहाँ पर लेबर असिस्टेंट की जो पोस्ट है दोनों के लिए आप अपना DB यहाँ पर DB का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में अपना DB दे सकते हो।